हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। ये पनीर मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। यहाँ मैंने 250 ग्राम मलाई पनीर लिया है, आप नॉर्मल वाइट पनीर भी ले सकते हैं। लहसुन की 10 से 12 कलियाँ हैं और अदरक 2 इंच और 2 प्याज है। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 छोटी चम्मच और रिफाइंड ऑयल 4 से 5 चम्मच। 2 टमाटर कट कर लिया है मैंने, और ये वो मसाले हैं जो मैंने इस ग्रेवी में यूज़ किया है। मैं इसे अच्छी तरह से आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है, 2 चम्मच मूंगफली ली है, और ये है 4 सफ़ेद मिर्च गोल मिर्च है और 4 काली गोल मिर्च है, आप देख सकते हैं इसे। 1 छोटी चम्मच मैंने शाही जीरा लिया है, ये शाही जीरा है, और 2 टुकड़े मैंने दालचीनी का लिया है, 2 इलायची ली है और 3 लौंग लिया है, और 1 तेज पत्ता और 5 सूखी लाल मिर्च। अब हम कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल लेंगे और तेल गरम होने पर हम इसमें पनीर डालेंगे। इसे हल्का लाल करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें इसे। अब इसे पलट देते हैं कि दोनों तरफ से एक बराबर पक जाए, लाल हो जाए। ये हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, हमें इसी तरह से फ्राई करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल लेंगे, इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक और उसे मिला देंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम डालेंगे प्याज, इसे 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई करना है मीडियम गैस पे। इसके बाद हम डालेंगे तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, मूंगफली और धनिया, इसे भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। अब गैस को स्लो कर देना है। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, 2 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे लौंग, इलायची और दालचीनी, शाही जीरा, गोल मिर्च। अब इसे हम स्लो गैस पे कुछ देर तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए, ये हो चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हमें इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम एक बर्तन में 1.5 ग्लास पानी गर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और उसके बाद पेस्ट डाल देंगे इसमें तेल गर्म होने पर। अब हमारा काम है मसाले को अच्छी तरह से पकाना। कुछ देर हम इसी तरह से भूज लेते हैं, भूज लेंगे अच्छी तरह से। इसे मीडियम गैस पे ही हमें पकाना है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाला और अच्छी तरह से पक जाए। इसे अच्छी तरह से चलाते रहें, मीडियम गैस पे ही हमें पकाना है इसे। ध्यान रहे कि ये जले नहीं, मतलब कढ़ाई में पकड़े नहीं। ये मसाला हो चुका है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे। ये मलाई पनीर है और इसे मैंने फ्राई कर लिया, तो इसका टूटने का मुझे मतलब डर नहीं है। ऐसे नॉर्मल वाइट पनीर को आप इस तरह से ना डालें। आप पहले ग्रेवी में पानी डाल लीजिएगा 1/2 कप, उसके बाद पनीर डालिएगा। देखिए, इस तरह से पानी डाल के आप पनीर डालिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा 5 मिनट तक। उसके बाद हम 1 ग्लास पानी डालेंगे इसमें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद हम गैस को स्लो कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। देखिए, पनीर बनके तैयार है, मसाले का फ्लेवर भी इसमें पनीर में आ चुका है। और ये बनके तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देते हैं। देखिए, देखने में भी काफ़ी सुंदर है और टेस्टी भी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन ज़रूर ऑन करें।